नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो बिग बॉस 12 का ये लास्ट हफ्ता चल रहा है और आज हो गया है वेडनेसडे। और आज हम बात करेंगे कल के एपिसोड में हुए एक किस्से की, जिसमें गौहर खान घर में गई और उन्होंने क्या कहा ट्वीट पे, इस बारे में क्या क्या एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए उसी पे बात करते हैं। पहले आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, साथ में आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा क्योंकि आपको तभी हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। दोस्तों, आपने कल के एपिसोड में देखा होगा कि गौहर खान एपिसोड के शुरू होते ही एज गेस्ट एंटर करती है। उनके साथ जो घर के सदस्य हैं वो है रोमिल चौधरी एज गेस्ट घर के अंदर, तो होटल के बाकी लोग हैं कर्मचारी। तो ये कर्मचारियों में क्योंकि श्री शांत भी, और श्री शांत कहीं ना कहीं उससे पहले जो रोमिल चौधरी ने टास्क दिया था दीपिका को कि आई क्विट बोलो, दीपिका ने वो टास्क कर दिया, शायद इस वजह से नाराज थे और उनका टेम्परामेंट पहले ही बड़ा हुआ था। जब गौहर खान घर में आती है, गौहर खान उनको कुछ कुछ करने को बोलती है मगर श्री शांत कुछ अलग से नजर आते हैं। चलो ये तो मेरी बातें होगी, मगर गौहर खान का एक्सपीरियंस क्या रहा वो मैं आपको बताती हूँ। गौहर खान ने ट्वीट पे कमेंट किया, उन्होंने पहला कमेंट ये किया, दोस्तों मैं पढ़ के बताती हूँ कि आई अंडरस्टैंड फैमिली इज फैमिली बट डू नॉट क्वेश्चन समवन्स इंटेंट हु जस्ट वेल इन एज अ गेस्ट एंड एक्चुअली वाज वेरी नाइस टू समवन डिस्पाइट द पर्सन बीइंग द ओनली वन एक्सट्रीमली रूड एंड अब्यूसिव इन माय प्रेजेंस। एनीवे आई स्टिल मेंटेन ही इज प्लेड गुड गेम। तो पहले कमेंट से तो ये पता चलता है कि गौहर खान जो है वो नाराज है श्री शांत से, क्योंकि गौहर खान घर में गेस्ट गई थी जिसमें श्री शांत का सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार रहा उनके साथ। उन्होंने ये बड़ी क्लियरली लिखी है कि जो पहली बार गेस्ट बन के जाता है उसके साथ ऐसा करना, उनकी उनके इंटेंट पे आपने डाउट किया तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद गौहर खान का कमेंट है दोस्तों कि सैडली डिस्पाइट ऑल द नाइस थिंग्स आई थिंक ऑफ श्री एंड ऑल द सपोर्ट आई हैव गिवन हिम बिफोर आई एंटर्ड हिज बिहेवियर वर एक्सट्रीमली रूड विद मी रिफ्यूज टू टॉक टू मी व्हेन आई आस्क्ड पोलाइटली सेड इवन इफ एक्स वाई जेड वाज इन माय हाउस आई वुड बिहेव द सेम वे टुक नेम्स ऑफ लेजेंड्स। तो गौहर खान के होते जब उन्होंने ये बोला कि जैसे गौहर खान ने उनको बोला था श्री शांत को कि आप दीपिका को बोलिए कि शुएब की जैकेट और निकाह वाला जो आपका दुपट्टा है वो स्टोर रूम में रख दे ताकि दीपिका को भी वोट बैंक बढ़ाने का मौका मिले, उसको भी एक सैक्रिफाइस करने का, उसको भी एक डिसीजन लेने का मौका मिले। मगर ये बात समझे बिना, ये इंटेंट समझे बिना श्री शांत ने मना कर दिया कि वो ऐसा मौका देंगे नहीं एक तरह से। मगर गौहर खान यहाँ पे बड़ी क्लियर लिखते हैं कि जब श्री शांत ने ये मिसबिहेव किया है, उन्होंने ये बोला कि आपकी जगह कोई भी होता एक्स वाई जेड तो वो ऐसा ही करते, तो उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि आप उस एक्स वाई जेड का नाम तो लीजिए कि वो कौन है, है ना। तो ये जो उन्होंने बिहेव किया उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने ये भी लिखा है कि आई हैव गिवन हिम बिफोर एंटर्ड, जो सपोर्ट मैं देती थी वो पहले देती थी। तो इस तरह का जो कमेंट है गौहर खान का। और अगला कमेंट है दोस्तों मैं पढ़ती हूँ, दीपिका आई एम सैड दैट यू डोंट गेट टू मेक योर ओन डिसीजंस आई एक्सप्लेन्ड वेरी वेल टू श्री टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू शाइन ही इंस्टेड थॉट इट वाज अ सैक्रिफाइस इट्स अ रेस टू द फिनाले शी वुड हैव गॉट हर थिंग्स पैक इन 3 डेज इंटैक्ट नॉट रॉकेट साइज। तो उन्होंने हैशटैग लॉजिक भी किया है। तो गौहर खान ने बड़े क्लियरली दीपिका से भी, इवन एपिसोड में भी आपने देखा होगा, बात की थी कि दीपिका कि ये मैंने ऐसा बोला था श्री शांत को करने के लिए जिसमें तुम्हें शाइन करने का मौका मिलता, मगर ये बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, इन्होंने स्टेट में मना कर दिया कि मैं पूछूंगा भी नहीं। तो उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर लिखी कि ये तो बड़ा सिंपल सा एक काम था, कोई इसमें रॉकेट साइंस थी नहीं, चीजें उनको 3 दिन में वापस मिलने ही वाली थी, कोई मैंने डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बोला था, मगर ये अपॉर्चुनिटी जो थी वो श्री शांत ने दीपिका के हाथ से छीन ली। तो दोस्तों ये थे गौहर खान के एक्सपीरियंसेस बीबी होटल में जो उन्होंने ट्वीट के जरिए बताए, और साफ साफ पता चला कि गौहर खान काफी डिसअपॉइंटेड है श्री शांत से। तो आप लोग क्या कहते हैं, कैसा लगा आपको गौहर खान का जाना और उनका ये ट्वीट करके अपने एक्सप्रेशन को बताना, आप कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.